नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीभारा न्यूज चैनल। आगे की सड़कों पर तिरंगा यात्रा जारी है। कर चुके हैं बीजेपी के नेता राजीव ठाकुर जी। ये कहां से लेकर कहां तक संपन्न चलाई यात्रा? वो शाहीगंज के चपोर पेट्रोल पंप से चालू हुई और ये शहीद मार्ग होते हुए बुरशाहीगंज तिरवा रोड से होते हुए चौराहे से ये रामगंज नगर पालिका के ऑफिस के पास में इसका मैं कहना पूछना चाहूँगा, इसमें युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ जिले के कौन कौन नेता शामिल हुए सर? या इसमें मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र राजपूत जी थे और क्षेत्रीय मंत्री देवेंद्र देव जी थे और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिनु सिंह जी थे। युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष कुशाहीगंज मानव गुप्ता जी थे। इसके अलावा और भी पार्टी के, जिस तरीके से भाजपा और अन्य जो पार्टी के लोग हैं जो अमृत महोत्सव अपने अपने रूप में मना रहे हैं, इसी प्रकार समाजवादी पार्टी के एक मुखिया ने ये भी अभी कहा है दो दिन पहले कि ये बीजेपी सरकार जो है तिरंगा यात्रा के नाम पर दंगा फैला रही है। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? भैया, ये तो इन लोगों की मानसिकता जो है, चूँकि अभी 2022 में जब से ये विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है तब से ये जो करारी हार इनको मिली है उसके बाद से ये लोग बौखला गए हैं और ये भी नहीं जानते हैं कि ये राष्ट्र के लिए जो लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे, ये इनकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। सर, जैसे 2000 ये भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 2024 में भूमिका बना रही है बीजेपी सरकार, युवाओं को जो है भड़का रही है तिरंगा यात्रा के नाम पर इकट्ठा कर रही है। तिरंगा यात्रा के नाम पर युवाओं को भड़काया नहीं जा रहा, लेकिन अगर विरोधी ये कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा के नाम पर युवाओं को भड़काया जा रहा है तो मैं ये कहता हूँ हाँ, भड़काया जा रहा, लेकिन इन युवाओं को इसके लिए भड़काया जा रहा है कि देश का युवा इकट्ठा होकर और जब कभी कोई दूसरा देश हमसे लड़ने आए तो ये युवा उनके सामने कैसे डटकर मुकाबला करेगा, इसलिए ये हो रहा है, ना कि ये हो रहा है कि वो देश में भड़काने का काम कर रहे हैं। ये युवा एक साथ होकर ये राष्ट्र का काम कर रहा है। क्या आपको लगता है कि हर घर तिरंगा जो प्रधानमंत्री जी की मुहिम है, जिसे वेंकैया नायडू ने जो है अपने चालू किया है सर, हरी झंडी दिखाई है, उस पर जो विपक्ष जो दल है वो साथ आए, क्या अपील करते हैं आप? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए उनको? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ ये कोई पार्टी का काम थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के, ऐसा नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री और किसी, उन्होंने अगर कोई बात कह दी तो एक पार्टी का व्यक्ति मानेगा। ये राष्ट्र का काम है और राष्ट्र हित के लिए, मेरा मानना तो ये है कि राष्ट्र हित के लिए सबको आगे आना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी समाज से हो, हर समाज के व्यक्ति को राष्ट्र हित के लिए आना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि पार्टी के नाम पर या बिरादरी के नाम पर वो राष्ट्र हित के लिए खड़ा नहीं होता तो मैं तो कहता हूँ उसको इस हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चला जाना चाहिए जो राष्ट्र। पूरे तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस सरकार ने भी किनारा कर लिया है सर, वो शामिल नहीं हुई तिरंगा यात्रा में, उस पर कोई प्रतिक्रिया सर? जी भैया, वो तो किनारा कर ही लेंगे, कांग्रेस पार्टी जो है वो किनारा कर लेंगे। आप तो जानते ही हैं, सबको मालूम है कि ये खुद विदेश से आकर इन्होंने झंडा गाड़ने का प्रयास किया था, जिसको मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ कर फेंक दिया। और मुझे ये लगता बहुत जल्दी कोई आखिरी संदेश जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सर? नहीं नहीं, बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी युवाओं से, चूँकि आज युवा मोर्चा की रैली थी, और मैं देश के हर एक नागरिक से मैं सिर्फ ये सबसे ये कहना चाहूँगा कि ये राष्ट्रहित का कार्य है और माननीय मोदी जी ने हम लोगों को ये प्रेरित किया है कि हर घर में तिरंगा हो। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जस्ट अपने पड़ोस के घर में तो ये देख ही लें, यदि हर व्यक्ति अपने पड़ोस के घर में ये देखेगा कि मेरे पड़ोस के घर में तिरंगा लगा या नहीं, तो आप विश्वास रखिए पूरे भारत देश में एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा। ठीक है सर, हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजीव ठाकुर जी, जो हमसे सीधे जुड़े हुए थे डी भारत के माध्यम से। तो देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत। नमस्कार।